जेम्स बॉन्ड बनने के लिए न जाने कितने जुगाड़ करने पड़ते हैं। एक्चुअली कहे तो हम जुगाड़िस्तान में ही रहते हैं। ये कपड़े मंगवाने पड़ते हैं, बो टाई लगानी पड़ती है, वाइट शर्ट ढूंढना पड़ता है, ब्लैक पैंट ढूंढना पड़ता है, और बंदूक का जुगाड़ तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप बॉन्ड नहीं बन सकते। और वो भी जेम्स बॉन्ड, वो तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम सब रहते हैं जुगाड़िस्तान में। आज SBS ओरिजिनल्स पे आपको जुगाड़ कैसे करते हैं ये सीखने मिलेगा, वो भी एक मास्टर से। नहीं नहीं, हम आपको कोई गलत दिशा नहीं दिखा रहे, बल्कि जुगाड़िस्तान के एक टीममेट परमबत्रा चैटर्जी से मिलवा रहे हैं, जो आपको जुगाड़ के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसे सुनकर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। यस, परम रिसेंटली फीचर हुए लायंस गेट की वेब सीरीज जुगाड़िस्तान में सुमित व्यास, एहसास चन्ना और अर्जुन माथुर के साथ, और उन्होंने खोल दी पोल अपने जुगाड़ की अपने इस स्पेशल गैंग के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में, ओनली विद SBS ओरिजिनल्स। देखिए जनाब, हम तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री मतलब कायम है जुगाड़ पे एक्चुअली। एज यू नो के मतलब हम जो देखते हैं स्क्रीन पे, उसके पीछे जो होता है वो एवरीथिंग इज फॉल्स, राइट? एवरीथिंग इज क्रिएटेड, मेक बिलीव वर्ल्ड प्रिपेयर करने में, मतलब उसकी तैयारी में काफी सारा जुगाड़ आ जाता है। इन इंडिया स्पेशली हम बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक जुगाड़ करते हैं। जैसे कि एक मतलब कुछ फट गया, किसी का कमीज फट गया, या फिर कुछ भी हुआ उसमें उसी सेम कलर का, सोचो कि आप धागा नहीं मिल रही है तो दूसरे कलर का धागा से उसको मतलब सू करके किसी ने उसको ऊपर जाके शर्ट के कलर का पेंटिंग कर दिया, ऐसा भी जुगाड़ होता है। एंड देन अगेन ऑन अ वेरी बिग लेवल एट VFX लेवल, अब छोटे छोटे जुगाड़ से जो बाहर से जो लोग काम करने आते हैं हमारे साथ, वो चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। सो आई थिंक वी आर मास्टर्स ऑफ जुगाड़, पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। तो जुगाड़ तो हमारा हर रोज का काम जी। आपको कोई ऐसा जुगाड़ याद है जो आपके लिए बहुत ही सही साबित हुआ हो, मददगार साबित हुआ हो? मैं एक बंगाली फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो हम शूट पे पहुंचे, आउटडोर शूट थी, तो एंड हम पहुंचे शूट पे, तो सडनली जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि एक किरदार के लिए उनको दाढ़ी चाहिए ना। वो मेकअप आर्टिस्ट जो थे वहाँ पे, उन्होंने कि यार दाढ़ी तो मैंने लाया नहीं कलकत्ते से अभी, मतलब अगर पता होता मुझे पहले तो मैं दाढ़ी साथ में यू नो फॉल्स मतलब नेट की दाढ़ी में बनवा के लाता मैं साथ में, लेकिन वो है नहीं मेरे पास, लेकिन उन्होंने बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा, अभी तो क्या करें। तो हम भी सोच रहे थे कि अरे बेचारा वो मेकअप आर्टिस्ट जो है कल डांट पड़ेगी इसको एंड ऑल ऑफ दैट, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग वी सॉ के एक्चुअली वो जो कैरेक्टर है वो दाढ़ी पहने घूम रहा है। हम सोचा अरे यार ये कैसे हो गया, मतलब कहाँ से पता नहीं, हमने पूछा नहीं वैसे। तो कुछ घंटों बाद ये जो कैरेक्टर जो थे वहाँ पे जो दाढ़ी पहने हुए है, वो कहने लगे कि यार सब ठीक है, तुम में से किसी को जैसे कोई मतलब एनिमल की स्मेल आ रही है क्या? एनिमल मतलब गोट या लैम्ब, ऐसा कुछ स्मेल आ रहा है क्या? नहीं तो भाई हम तो नहीं, मुझे क्यों आ रही है फिर, पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे इतना। बाद में पता चला जाके वो दाढ़ी नहीं थी ना उनके पास, वो जाके एक जो वाज दिस गोट रोमिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ही वेंट एंड स्निप्ड सम हेयर फ्रॉम द गोट द मेकअप आर्टिस्ट एंड गॉट दैट थिंग मेड। वेल, परम तो मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारे जुगाड़ होते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। मुंबई से संदीप पंड्या के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ आने का मेरा ओरिजिनल मकसद जो था ना, उसके बारे में आपको पता चलेगा। मैं आज यहाँ पर क्यों आया पता है? क्योंकि सनी लियोनी आई है अनामिका बनकर, तो मैं भी आ गया जेम्स बॉन्ड बनकर। मैं हूँ सनी,
अरे सनी नहीं, अनामिका हूँ। आ गई है अनामिका। ये अनामिका जब हाथ में बंदूक पकड़ती है तो अच्छे अच्छों के हाथों से तमंचे फिसल जाते हैं। और जरा बचकर, क्योंकि अनामिका दिखने में जितनी खूबसूरत है तेवर से उतनी खतरनाक भी है। एमएक्स प्लेयर पर जल्द ही आने वाली है सनी लियोनी और सोनाली सहगल की अनामिका, जिसमें ये दोनों ही ब्यूटीज एक्शन करते हुए नजर आएंगी। तो जब कंटेंट ही एक्शन से भरा हो तो इंटरव्यू भी एक्शन से भरपूर होना चाहिए ना। तो SBS ओरिजिनल्स ने सनी लियोनी और सोनाली दोनों के ही हाथों में थमा दी बंदूक और दिया ये गन चैलेंज। ऐसे ही सेट पे डर लगता था। You're so good. मैंने भी ट्रेनिंग ली थी, गन ट्रेनिंग। You know, मैं सब जब मैं सेट पे होती थी मैं सबको बोलती थी लाइक देखो मेरा एम ऑफ है, अगर आप मेरे आजू बाजू है ऐसा किसी को भी लग सकता, लग सकता है एंड लगता मे बी था। गुड टू मेरे से ये सब नहीं होगा, बहुत प्रेशर आ गया अब। शी विल गेट इट। मैंने तो फिर भी एक मिस किया ये सारे। नो व्हाट डिड यू मिस? Wow! Ooh, well done. One for you. Boom. One. ये बहुत फन था। यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और चोटें भी नहीं लगी। इस मजेदार गेम के खत्म होने के बाद सनी और सोनाली दोनों ने ही बताया कि क्या है अनामिका। I don't think वो डर था that कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। I think अगर एक चांस मिलता टू डू समथिंग डिफरेंट ऑब्वियसली वो चीज़ें ट्राई करना चाहिए। मैंने गलती की थी एंड आई फील वेरी प्राउड। मुझे वो प्राउड फीलिंग आ रहा था और बच्चों को थोड़ा सा दिखाना था, लेकिन मैंने बहुत गलती की है बिकॉज मेरे घर में वी हैव अ नो गन पॉलिसी, नो वायलेंट टीवी शोज, ये सब चीज़ें एंड हिपोक्रेट। सो मैंने गलती से दिखा दिया एंड उस दिन पूरा दिन पकाओ बिकॉज लाइक मम्मा व्हाई आर यू होल्डिंग अ गन, व्हाई आर यू शूटिंग अ गन, व्हाई आर यू फाइटिंग, व्हाई आर दोज पीपल हिटिंग यू, व्हाट इज हैपनिंग, ये सब चीज़ें पूरा दिन हो रहा था एंड गलती किया बिकॉज मैं वो चीज़ें नहीं दिखाती बच्चों को बिकॉज देर वेरी स्मॉल, देर फोर एंड देर सिक्स, ये सब चीज़ें बहुत टाइम है वो सब चीज़ें देखने के लिए। मुझे बेसिकली किक करनी थी और किक जब एक्शन करते हो आप उसमें चीट करते हो। सपोज आपको यहाँ पे मारना है तो वो आपके चेहरे के पास से जाते हैं और वो कैमरा एंगल में ऐसा लगता है, या सॉफ्टली मारते हो आप, एक्चुअली नहीं मारते हो किसी को। तो मैंने फुल फोर्स में किक मारी और उसके फेस पे लगी एंड मुझे रियली इतना ज़्यादा बुरा कभी नहीं लगा एंड आई फेल्ट रियली बैड। शायद मैंने उतना दिखाया भी नहीं था बट मैं अंदर से थी कि ओ गॉड फर्स्ट डे पे शी इज़ गोना हेट मी। मतलब वो बहुत ही कूल थी इस बारे में एंड इनफैक्ट आई वॉज लाइक मोर कि क्या हो गया एंड शी वॉज लाइक नो 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 इट्स ओके। इनफैक्ट उसने मुझे फिर कुछ ट्रिक्स भी बताई एक्शन की बिकॉज वो ऑलरेडी कुछ टाइम तक शूट कर रही थी और मैं प्रोजेक्ट में बाद में आई थी। यस इट्स अ फुल ऑन एक्शन pack show and hum dono chahte ki aap dekho and please let us know aapko kaisa laga। Mumbai se Megha Thadani ke sath ABP news report। ABP news आपको रखे आगे। सास बहु और साजिश में वक्त खास खबर का है।
है आर्यन मिश्रा। अब सीरियल से एक हीरो गया तो भाई फिर दूसरे हीरो की तो एंट्री होनी चाहिए ना। आर्यन की एंट्री हो रही है और एकदम धमाकेदार फाड़ एंट्री हुई है, एकदम माचो मैन हीरो की तरह। और जब हीरो की एंट्री होगी तो उस एंट्री में हीरोइन के साथ उसकी खूब सारी जमकर लड़ाई भी तो होनी चाहिए। तो भाई हिम्महुआ और आर्यन की पहली मुलाकात कुछ ऐसी ही हुई जहां पर आर्यन मिश्रा के जीभ के शीशे को देखिए महुआ ने कैसे त्रिशूल से तोड़ दिया। थोड़ा टशन हो जाता है आर्यन और महुआ के बीच में, तो उस टाइम पे जो लुक चल रहा है उसकी वजह से कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ फूट जाती हैं, वहाँ से टशन स्टार्ट होता है। टशन बहुत चलने वाला अभी टशन, क्योंकि महुआ को तो आप लोग जानते ही हैं, तो कम तो वो भी नहीं है। अब आर्यन सोच रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया है। अब आर्यन वो क्या है ना, आपका पहला दिन है, अभी आपको टाइम लगेगा महुआ को समझने में। जहाँ पर आपका तरीका काम करने का अलग है ना, तो वहाँ पर महुआ भी थोड़ी सी अलग है। हाँ, पर महुआ को जब इनकी सच्चाई पता चलती है तब देखो क्या हाल करती है। महुआ को लगेगा कि एक पुलिस ऑफिसर होते हुए आप गलत काम कर रही हैं, तो वहीं आप भी उसका कंफ्यूजन बढ़ाएंगे। तो भाई दोनों की विचार अगर मिलेंगे नहीं तो झगड़ा तो होगा, लेकिन मानना पड़ेगा ऑन स्क्रीन लड़ने के बावजूद भी ऑफ स्क्रीन आप दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई है। पहले दिन ही आप दोनों रील्स वील्स बना रहे हैं। भाई जब दोस्ती अच्छी हो गई है तो सीन्स भी अब अच्छे होंगे और फैंस को अच्छा लगेगा जब अच्छे सीन्स उन्हें देखने मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रशांत माने के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या लगता है आपको जेम्स भांड की बांड की बास बांड, जेम्स बांड की ये बंदूक कितने की होगी, सोचिए। दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, अभी मैं जवाब दूंगा ना तो वो सुन के दिमाग और अटक जाएगा। ये है सिर्फ 500 रुपये में, और एक टास्क मिला था मेरे को कि 500 रुपये में क्या खरीद सकते हो, तो इस टास्क के साथ मैंने ये बंदूक खरीद ली सिर्फ 500 रुपये में। ऐसा ही टास्क मिला है एक ऐसी जोड़ी को जो टीवी पर आ रही है, तो चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के बाजार में और दिखाते हैं कि क्या वो 500 रुपये में मेरी तरह सिर्फ बंदूक ले पाते हैं या फिर कुछ और। 500 रुपये में क्या ही मिलता है आजकल देखते हैं। बहुत ज्यादा महंगा, ये 150 रुपये में खर्च कर चुका हूँ। This is so difficult. I did not think कि इतना difficult होगा मेरे लिए। सौम्या की पसंद का क्या होना चाहिए? Hi, मैं हूँ विजेंद्र, आपका अपना अरमान। और मैं हूँ विधि, आपकी अपनी सौम्या वर्मा। फ्रॉम द टीम मोसे छल किए जाए, आप जानते हैं। हम यहाँ पर है दिल्ली में, दिलवालों के शहर में, जनपद नगर में, और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क करने वाले हैं। हाँ, हमें SBS ने एक टास्क दिया है जिसके अंदर हमें 500 रुपए में एक दूसरे के लिए शॉपिंग करनी। आई डोंट नो वो कैसे होने वाला है, लेकिन वी विल ट्राई, क्योंकि चैलेंज जो भी आता है तो हम उसे उठाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं।
इनको जाने देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मैं सनग्लासेस बाय करूंगी. अरमान बहुत सनग्लासेस पहनते हैं. सो आई विल बाय सनग्लासेस फॉर हिम. बहुत ज़्यादा महंगा ये 300 रुपये. मेरे पास सिर्फ 500 रुपये का टाइम नहीं है. आई थिंक भैया ये जैकेट्स कैसे दिए? 1800-1500 रुपये मेरे पास सिर्फ. टास्क चल रहा है. ये लीजिए आप भी. क्या याद रखूंगा क्या? नहीं 500 रुपये में बहुत चीज़ें खरीदनी है मुझे. प्लेन 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 शर्ट दिखा दो फिर मेरे को सिर्फ. कहाँ पे सेट्स का स्टॉल नहीं है ही नहीं. फ्री में दोगे एक चीज? दिस इज सो डिफिकल्ट. आई डिड नॉट थिंक कि इतना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए. कैसे दिया? 450 का. नहीं पॉसिबल ही नहीं है. कितने की चाहिए आपको? दे दो ना यार सस्ते में प्लीज. चलो आप ऐसा करना 350. नहीं नहीं मेरे को और दो चीजें लेनी है 500 रुपए के अंदर. नहीं है ना? हाँ. चलो 300. नहीं 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 200. क्या देंगे? 200 का ये आएगा नहीं कम. ये प्लेन है भैया. बॉम्बे हार जाएंगे. 200 रुपए. 150 दो भैया. 150 प्लीज. 150 में नहीं हो. प्लीज भैया जल्द प्लीज प्लीज. मैंने 200 रुपए में लिया है. आई थिंक मैं और दो चीज़ें खरीदना चाहती हूँ. नहीं 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 क्या लेना मैम? मेरे पास देखो पहले तो पैसे नहीं है इतने. तो आप क्या आपके 100 रुपए में क्या मिल सकता है? दिखा दिखा दिखा. 100 रुपए. नहीं ये नहीं वो होगा नहीं. उस लड़के को 30 है उसकी कमर. 30 कमर है लड़का. हाँ ये 100 रुपये में. ये शॉर्ट्स सर प्रॉबेबली बॉट अ पेयर फॉर अरमान. ब्लैक शॉर्ट्स एंड वाइट. ओके सर दो चीज़ें डाउन है एंड आई स्टिल जस्ट हैव 200. लेट्स सी. नहीं भैया 100 रुपये में क्या मिल सकता है? मुझे ये दे दीजिए. जी मैडम. ओके थैंक यू. थैंक यू. अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये. और मुझे नहीं पता क्या सनग्लासेस मिलेंगे मुझे 100 रुपये में. मैंने 4 चीज़ें खरीदी है 500 रुपये में विद इन आई थिंक 20 मिनट्स. 20-25 मिनट. आधा घंटा नहीं हुआ बिफोर टाइम. एंड आई रियली होप कि अरमान आका विजय को ये चीज़ें फिट हो और उसे अच्छी लगे. 11:57 है यानी आधा घंटा है मेरे पास. बहुत सारी शॉपिंग करनी है और 500 रुपये हैं मेरे पास. तो सौम्या का जो सपना है राइटर बनने का तो आई होप कि वो सपना पूरा हो उसके लिए. लेट्स सी लड़कियों के लिए व्हाट डू यू थिंक कि क्या अच्छा होगा? सो दिस इज़ अ बुक मार्क दैट आई एम बाइंग. जो ये अपने जब भी स्क्रिप्ट लिखेगी तो उसके अंदर डाल सकती है. सी जैसे मैंने कहा कि इनके ड्रीम सारे पूरे होने चाहिए उसके लिए मैं. दिस वन इज 50. सी कलरफुल ड्रीम्स जो हैं इनके पूरे हो जाएं उसके लिए घर में लगा सकते हैं अपने कमरे में. ये बुकमार्क है जो एक राइटर को काम आएगा. काम की चीज़ें देनी चाहिए जिसको भी देनी है. और ड्रीम कैचर है ये. सो आई हैव ऑलरेडी स्पेंट 150. 150 रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ. अब देखते हैं आगे जाके हमको क्या लेना है. अभी हम कुछ कपड़े वपड़े लेते हैं. सौम्या की पसंद का क्या होना चाहिए? आई थिंक शी लाइक्स कुर्तीज एंड ऑल. सो एक बार हम कुर्ती वगैरह देखते हैं हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्या है यहाँ पे बजट?
बजट आप यहाँ पे 850 स्टार्टिंग है, 850 स्टार्टिंग है। आपको पता है मुझे ये चैनल ने 500 रुपए का बजट दिया, उसमें शॉपिंग करके आना है। आप इतनी ज्यादा अगर दिखाएंगे महंगी चीजें कैसे होगा। सौम्या की चप्पलें टूटती रहती हैं, कई बार भाग दौड़ करती है। मुझे जब पहली बार आई थी मिलने तब भी टूट गई थी, तो उनके लिए कुछ मजबूत सी चप्पल होनी चाहिए। देखो क्या बढ़िया आदमी है, क्या नाम है आपका? जैक मा। जैक मा, जैक मा, जैक मा है इनका नाम, अली बाबा। अच्छा, सो आई बॉट दीज टू इयररिंग्स। ये इयररिंग्स हैं जो स्पेशल डिमांड आई थी और अच्छे भी हैं, सो आई एम वेरी प्राउड कि आज मैंने दो इयररिंग्स खरीदे हैं 50 रुपीज में। ये लिया है, इट्स अ नाइस स्मार्ट शर्ट, या अच्छी है। तो ये मैंने 100 रुपए में खरीदी है। मेरे आखिरी के 200 रुपए बचे हैं और 200 रुपए की आखिरी शॉपिंग मैं कर रहा हूँ एंड खत्म हो गया। अब आई होप सौम्या को ये सब पसंद आए एंड आई एम डन विद द शॉपिंग। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये बुकमार्क, ये ड्रीम कैचर, ये तुम्हारे लिए शर्ट, चप्पल और कुछ झुमके हैं उसमें। आई एम श्योर सबसे अच्छे इसे झुमके लगेंगे। yes. है ना? yeah. लड़कियों को वही सबसे ज्यादा पसंद है। Love it. आई होप ये सारी चीजें तुम्हें पसंद आए। बजट क्रंच पे थे हम थोड़ा। ये वर्कआउट का आपका सेट है जो आप पहन सकते हैं। नाइस। एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और ये वन सेकेंड, ये अरमान ओब्रॉय के लिए है। यस, कि आपकी सारी विशेस पूरी हो एंड मे बप्पा सद्बुद्धि दे। यस, अरमान को सद्बुद्धि दे, सही राह पे चले। थैंक यू एंड या, बट यस वेरी नाइस, बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं। दिस इज रियली सूटिंग यू। बिल्कुल, कभी इतने पैसों का क्रंच नहीं था और ना ही टाइम का क्रंच था। ऐसी चीज़ें की तो है लेकिन दिस वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फन था। आई रियली 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 एंजॉयड इट। मुझे तो स्ट्रेस हो गया सबसे पहले, मैंने पहली बार इतना बार्गेन करके लिया है कुछ, बट या इतना बुरा नहीं है। नहीं, नो नो नो, बहुत अच्छी चीज़ें आप लाए। या या, तो या मज़ा तो आया। तो ये था विधि और विजेंद्र, अरमान और सौम्या का एक दिल्ली में आउटिंग जहाँ हमने शॉपिंग की है, हमने अच्छा खाना खाया है और बहुत मज़ा आया, डिफरेंट फ्रॉम द शूटिंग डेज। तो मुँह से छल किए जा के लिए हम यही कहेंगे कि आप देखिए हमारा शो, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन्जॉय दैट। और सौम्या जो बोल रही है उसे ध्यान से सुनिए, मैं खाना खा रहा हूँ। बस यही कि आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, दिल्ली में आकर बहुत अच्छा लगा एंड बस अभी हम खाना खा रहे हैं। बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थोड़ा ना छुपते छुपाते खबरें बतानी पड़ती है क्योंकि दुश्मन के जासूस भी तो घूमते हैं। अभी अभी एक इधर से गया है, यह खबर है DID की। अब आप तो जानते ही हैं डांस इंडिया डांस कार्यक्रम, यहां पर मौनी रॉय भी बैठती है। हाँ, वो अब जज बन गई ना। वैसे तो ना हर रियलिटी शो में एक डीवा होती ही होती है, इस शो में मौनी डीवा बन गई। वैसे गलत नहीं है, वो दिखती अच्छी है, डांसर भी अच्छी है, तो हरकत क्या है, लेकिन पता नहीं ये दुश्मन जासूसों को क्या पड़ी है। टैलेंट देखना भला किसे अच्छा नहीं लगता है, शायद यही वजह है कि टैलेंट देखने के लिए जजेस की होड़ जैसी लग जाती है। इस
सालों पहले रेमो जज की कुर्सी पर इसी शो पर बैठे थे सबसे पहले, तो उनके लिए एक बार फिर से डीआईडी का जज बनना मानो घर वापसी जैसा हो। मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 11 साल बाद वापस आया हूँ, तो मेरे लिए तो ऐसा है कि 11 साल बाद घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए भी नया है क्योंकि बच्चों का मैंने आज तक नहीं किया है। सो किड्स आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने डीआईडी स्टार्ट किया था। हिंदुस्तान में कितना टैलेंट है ये अच्छे से जानते हैं, तो वही सोनाली बेंद्रे भी जानती हैं। और अभी अभी जज के लीक में शामिल हुई छोटे पर्दे की बहुरानी मौनी रॉय भी अच्छे से जान जाएंगी कि भाई टैलेंट कहाँ कहाँ से आता है। एक्साइटेड, नर्वस, सब कुछ। बहुत हम्बलिंग है इस पैनल में का हिस्सा होना, और जैसा कि इन्होंने बताया बच्चे हैं तो बहुत सारा एंथुजियाज्म है इनमें, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और मेरे लिए तो इट्स द फर्स्ट ऑफ Any kind of judging, you know. अब रियलिटी शोज में जहाँ पर आपको प्रतियोगियों का टैलेंट देखने मिलता है, तो भाई उसके साथ साथ जजेस की स्टाइलिंग भी देखने मिलती है। जजेस एक से एक कपड़े पहनते हैं, उनकी हेयर स्टाइल, उनके बोलने का ढंग, उनके उठने का ढंग, उनके चलने का ढंग, इन शॉर्ट कहें तो उनके पूरे बर्ताव पर इतने बारीकी से ध्यान दिया जाता है जिसे देखकर हर कोई अंदाजा लगाता है कि भाई कौन से शो का जज कितना अच्छा दिख रहा है। शादी की वजह से तो कोई प्रेशर नहीं है, बट आई गेस मैं अच्छा करना चाहती हूँ, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू रेमो सर एंड सोनाली मैम। जब उनके कॉमेंट सुनती हूँ तो उन दोनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर सोनाली बेंद्रे की बात करें तो 4 साल पहले वो जी के सेट से ही गई थी अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और भगवान के आशीर्वाद से वो ठीक भी हुई, तो देखिए उन्हें फिर से मौका मिला जज की कुर्सी पर बैठने का। कहीं पे 4 साल पहले जर्नी अधूरी रही थी, जी के सेट से ही मैं गई थी मेरे ट्रीटमेंट के लिए, आज मैं यहाँ पे 4 साल के बाद जी के सेट पे हूँ। वो ड्रामेबाज के सेट से गई थी, आज मैं डीआईडी के सेट पे हूँ, लेकिन कॉमन फैक्टर ये है कि बच्चों का शो है और मुझे हमेशा ही बच्चों के शो से जुड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों में एक प्योरिटी होती है, एक इनोसेंस होता है जो मुझे लगता है कहीं पे जैसे हम बड़े हो जाते हैं कहीं हम इसको खो देते हैं, तो वो जो एनर्जी है बच्चों की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जजेस की बात की है तो क्यों ना होस्ट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जय भानुशाली भी तो पहले सीजन से जुड़े हैं इस शो से, तो ऐसे में जय ने भी एक लंबा सफर तय किया है। ये मतलब यू नो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन जो टेलीविजन पे आया था, दैट यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉमन मैन, दे वांट टू सी टैलेंट यू नो जो ग्रास रूट से आए, तो वही मकसद से हम फिर से आ रहे हैं। 13 साल पहले मैंने और रेमो ने हम दोनों ने ये शुरुआत की थी एंड वी आर बैक अगेन एंड होपफुली बड़ा मजा आएगा लोगों को। हर शो में एक डीवा होनी चाहिए जो भाई सबका ध्यान अपनी ओर खींचे, तो यहाँ पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि मौनी रॉय इस शो की डीवा है, क्योंकि वो हर एपिसोड में अपनी स्टाइलिंग से इस सबको अपनी ओर आकर्षित ज़रूर करेंगी। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।